हेलो गाइज, मैं खुशी, वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। अगर रेलवे स्टेशन में आपने की ऐसी हरकत तो आपको जाना पड़ सकता है जेल। आपको वैसे रेलवे के बारे में तो काफी ज्यादा पता होगा, आप सफर भी करते होंगे और वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में पता होगा, पर आपको ये वाले रूल के बारे में पता है या नहीं पता, वो आज हम लोग आपको इस न्यूज में बताने जा रहे हैं। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज लेके आ पाए। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की न्यूज। सो गाइज, आप कभी ना कभी तो रेलवे लाइन पे गए होंगे या ट्रेन में सफर किया होगा, और वहां पर कभी कभी आपको काफी सारे रूल्स के बारे में पता चलता है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको वैसा हो जाएगा, अगर आपने वैसा किया तो आपको ऐसा हो जाएगा। तो काफी सारे रूल्स है। तो सबसे ज्यादा बड़ा रूल तो ये है कि अगर आप बिना टिकट लिए ट्रेन में चढ़ गए तो आपको टीटी भी उतार सकता है। हमने कल ली और परसों भी एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर हमने बोला था कि एक बुजुर्ग को टीटी ने ट्रेन से उतार दिया, पर उसके पास ट्रेन की टिकट तो थी और कंफर्म भी टिकट थी, पर उसके बाद भी उसने उतार दिया था। अगर आपको देखना है तो हमारी वो वाली वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें भी बहुत खास बात है रेलवे को लेके। उसके तरीके से मैं आज अभी आपको बताने जा रही हूँ कि आपको रूल्स तो काफी ज्यादा पता होगा। क्या आप कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपना वक्त बचाने के लिए रेलवे लाइन पे चले जाते हैं या रेलवे लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं या एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने की कोशिश करते हैं, पर वो ब्रिज को क्रॉस नहीं करते? वो ब्रिज वहां पर इसीलिए बनाया गया है कि वहां को उसको क्रॉस करके आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा पाए। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने टाइम बचाने के लिए वहां पे उस ब्रिज पे चढ़ते नहीं है, वो सीधा ही एक प्लेटफॉर्म से पटरियों के ऊपर चल के दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। इसकी वजह से काफी सारे लोगों के साथ दुर्घटना भी हुई है और काफी सारे लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो ये चीज देख के बहुत सारे उन लोगों ने, रेलवे अधिकारी ने बात की, मीटिंग की कि इसके बारे में क्या किया जाए। तो आखिरकार रेलवे लाइन में एक अभियान चला है कि अगर आप ऐसी चीज करते हो तो धारा 147 के तहत आपको 6 महीने की जेल हो सकती है और उसके ऊपर आपको 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। तो अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसे चलते हुए इन लोगों ने यह अभियान इसलिए चलाया क्योंकि ज्यादातर जब इन्होंने ये सब रिपोर्ट्स देखी कि रेलवे लाइन पे काफी सारी मौत हुई थी, बहुत सारे सुसाइड भी हुए। सुसाइड तो कोई लोग रेलवे लाइन पे आके कर देते हैं, पर कुछ लोग इनोसेंट होते हैं और वो अपना टाइम बचाने के लिए जाते हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी इसको क्रॉस करके चले जाएं, पर उस वक्त उनकी मौत हो जाती है क्योंकि उन्होंने जल्दी जल्दी में अपना टाइम बचाने के लिए रेलवे लाइन क्रॉस करनी चाहिए। और ये केस सबसे ज्यादा हुए, उसके चलते ही इन लोगों ने इस अभियान को चलाया कि कोई भी इंसान को अगर हम समझाए तो वो समझ नहीं पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने 6 महीने की कड़ी सजा के साथ एक 1000 रुपए जुर्माना भी इसके साथ रखा है। तो गाइज, अगर आप भी कभी कभी टाइम बचाने के लिए, ना कि रेलवे लाइन, या कभी कभी आपने देखा होगा कि आजकल काफी ज्यादा सब चीजें बढ़ गई हैं और रोड पे भी ब्रिज बना दिए गए हैं एक रोड से दूसरे रोड पे क्रॉस करने के लिए, वो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि दुर्घटना कम हो जाए। और पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना टाइम बचाने के लिए एक रोड से दूसरे रोड पे भाग के चले जाते हैं और क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, पर उसकी वजह से उनका टाइम तो बच नहीं पाता पर उनका टाइम खत्म हो जाता है। अगर आपने भी कभी ऐसा किया तो उस चीज को आपको स्टॉप करना चाहिए। और अगर आपके फ्रेंड या आपके कुछ और लोग भी, जो आप कभी जा रहे हो बाहर और वो जल्दी जल्दी में, या तो आपका अननोन है कोई भी आप जान नहीं पहचान नहीं, अगर वो भी ऐसा कर रहा है तो उसको भी आप ऐसा रोकिए। अगर आप रेलवे स्टेशन जा रहे हो, अगर आप वहां पर भी किसी को देखते हो या आप खुद करते हो, तब आपको अपने लिए तो अपने आप को रोकना चाहिए और दूसरे जो ये चीज करते हैं उनको भी इसके साथ ये चीज करने से रोकना चाहिए। तो इस चीज को करने से आप भी सेफ रहेंगे और वो भी सेफ रहेंगे और आपकी भी इज्जत लोगों में बढ़ेगी अगर इस चीज को, इस जागरूकता को आप बढ़ाएंगे। सो गाइज, अगर आपको आज की हमारी न्यूज अच्छी लगी है तो प्लीज जाते जाते कमेंट करते हुए जरूर जाइए और एक लाइक भी जरूर ठोक दीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज लेके आ पाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।